हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे जीडीसी एग्जाम निकल के आया था, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर का। बड़े तौर पर वैकेंसीज आई थी और रेलवे ने यहाँ पर वादा किया था कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रलाइज तरीके से करवाई जाएगी सभी जोन की एक साथ, और इसके लिए एग्ज़ाम शुरू भी हुई थी और एक दिन की एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो भी गई थी। बट बाद में काफ़ी कुछ होने के बाद में वो एग्ज़ाम रद्द कर दी गई थी आगे की। तो उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है और न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियली जो नोटिस है वो यहाँ पर जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, और बड़े बदलाव के साथ में यहाँ पर सभी का एग्ज़ाम है वो दोबारा से होगा, क्योंकि जो 15 तारीख जिनका एग्ज़ाम हो चुका था उनका एग्ज़ाम भी दोबारा होने के चांसेस बन चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। और दोस्तों, आपका जो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए, आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी हमने बड़ा ग्रुप बनाया हुआ है, 7,000 के समथिंग उसमें कर्मचारी जुड़े हुए हैं। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और लेटर भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लेटर आ चुका है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से 20 फरवरी 2024 की डेट में, आरबी नंबर 18/2024। तो डेली यहाँ पर एक दो आरबी आते हैं, तो आपने देख भी लिया होगा, बट यहाँ पर समझने में हो सकता है किसी से गलती हो जाए। तो इसमें यहाँ पर ये भेजा गया है सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को, इसमें कंडक्ट ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन को लेकर बताया गया है। जो यहाँ पर रेलवे बोर्ड का लेटर निकला था 20 जून 2023 को, जिसमें सेंट्रलाइज एग्जाम करवाने की बात कही गई थी, बट यहाँ पर इसमें बोला गया है कि जोनल रेलवे ने जो एडवाइस किया था RB 80/2023 के अंदर, नोटिफाई जीडीसी वैकेंसीज फॉर 4 पोस्ट के लिए, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन और आपकी जो ट्रेन मैनेजर, इनके लिए यहाँ पर कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कॉमन एग्जाम है वो यहाँ पर ऑल जोन रेलवेज की है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, और जो एग्जाम है वो प्लान भी हुई बट है वो सक्सेसफुली आपकी कंडक्ट नहीं करवाई गई। और इसके बीच में, इन द मीन टाइम, सम ऑफ द जोनल रेलवे हैव स्वच्छ बोर्ड परमिशन टू हेल्ड जीडीसी एग्जामिनेशन एट रेलवे लेवल, यानी कि कुछ जोनल रेलवेज ने रेलवे बोर्ड से परमिशन मांगी है कि हम जो एग्ज़ाम है वो अपने लेवल पे, यानी कि रेलवे, यानी कि जो जोनल लेवल पे कंडक्ट करवा सकते हैं, जो कि पहले होता आया है। तो ये यहाँ पर परमिशन मांगी गई है, और इसी को यहाँ पर, द मैटर हैज़ बिन कंसिडर्ड केयरफुली एंड इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू वेव द कंडीशन ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन, यानी कि जो एक एग्जाम, कॉमन एग्जाम की जो बात थी, जो कंडीशन थी, वो यहाँ पर वेव ऑफ कर दी गई है, यानी कि हटा दी गई है अभी के लिए। अब यहाँ पर डायरेक्टली जोनल रेलवे है वो अपने हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोनल रेलवे हैं वो आपके शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज नोटिफाइड कैटेगरी के अंदर यहाँ पर किस हिसाब से एग्ज़ाम देंगे वो अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे, और कॉमन एग्ज़ाम होती है तो वो उसके अलग से आपका जो होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो RB 80/2023 जो निकाला था वो यहाँ पर हेल्ड पे है, होल्ड पे रखा गया है, और जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर अपने लेवल पे, देयर जोनल रेलवे ऑन लेवल अंडर इंटीमेशन टू बोर्ड्स ऑफिस, यानी कि जो अपने लेवल पे है वो जोनल रेलवे है वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं। अब ये छूट दे दी गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा। अब दोस्तों, एग्जाम डेट को लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों, अब यहाँ पर परमिशन मिली है सभी जोन को, लेटर गया है, तो अब जो सभी जोन की जो भी कंसर्न आरआरसी हैं वो यहाँ पर एक्टिव मोड में आ जाएंगी और अपने हिसाब से वो टेंडर निकालेंगी कि उनके जोन में इतने कैंडिडेट हैं और इनका एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो उस हिसाब से टेंडर निकलेगा और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी, तो वो अपने लेवल पर एग्जाम करवाएंगे। अब ये नहीं है कि सारे जोन का एग्जाम एक साथ होगा, तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये चीज़ होल्ड पे थी। उस टाइम में भी अच्छी थी कि एक साथ एग्जाम होता सभी जोनल रेलवे का, बट अब यहाँ पर जोनल रेलवे पे होगा तो भी आपका जो है एग्जाम है वो टाइमली हो जाए, ये भी एक अच्छी बात है। तो जल्दी आपको धीरे धीरे जोनल रेलवे की एग्जाम डेट है वो निकल के आ जाएंगी 2-3 महीने के बाद में, क्योंकि अभी अगर आपका टेंडर निकाला जाता है तो 15 से 20 दिन उसका टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने का कंपनीज को, उसके बाद में बिड निकलती है कि किसको टेंडर मिला है, फिर वो कंपनी भी अपनी तैयारी करेगी, सारा डाटा अपने पास लेगी, कितने कैंडिडेटों के फॉर्म आए हैं, क्या कुछ पोस्ट के लिए आए हैं, सो सब चीज़ें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। हो सकता है आपका एक आप एक्सटीमेट जो आपकी डेट माने एग्जाम डेट, तो दोस्तों आपके जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि आपकी अप्रैल मई में होने वाले हैं, उसके बाद में ही आपका एग्जाम है वो मे बी पॉसिबल है। बाकी और ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे। लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और हम यहाँ अब अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी ये चीज़ शेयर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।